सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये शौकीन जो शूटिंग का और ये एक्टिंग का जो जलवा है, कब से जागा आपके दिल में? ये जलवा तो हर किसी के दिल में बचपन से ही होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई बंदा बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ में जुड़ा होता है। आदमी स्टार्टिंग से घर से स्टार्ट करता है, तभी म्यूजिक से चालू होता है और रात सोने से पहले म्यूजिक पे बंद होता है। तो ये कोई किसी के लिए भी नया जलवा नहीं है, हर किसी की तमन्ना होती है। बट क्या है कि सही वक्त पे सही टाइम जब मिल जाए किसी चीज़ को करने का, वो वाली बात होती है बस। तो सर, मुंबई कैंट डांस वाला में आप निगेटिव किरदार निभा रहे हैं, और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए किरदार निभाना? बहुत बढ़िया किरदार है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस किरदार को। बहुत उम्मीद है लोगों को पसंद आना चाहिए। ये बॉलीवुड का आपका मेन विलन कौन रहा है अब तक, आपका फेवरेट, जिसे आप अपने आप अंदर तराशना चाहेंगे? ग्रेट सभी विलेन अच्छे हैं, शक्ति कपूर जी, गुलशन जी, सभी अच्छे हैं। ओके, ओवरऑल फिल्म की बात अगर करूँ मुंबई कैंट डांस वाला की, तो दो ही चीज़ें नज़र आती हैं फिल्म के अंदर, या हीरो या फिर विलन, और कैसी टक्करती है आपने अपने ऐसे किरदार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा रोल किया है। आशिमा ने, राखी जी ने, सभी लोगों का रोल बहुत अच्छा है। शक्ति जी, आदित्य जी, सभी लोग, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को बहुत अच्छा पसंद करेंगे आप लोग। कि मुंबई कैंट डांस वाले की अगर स्टोरी के बारे में बात करूं सर आपसे, तो कैसे आपको पसंद आई, और आपने इस किरदार के लिए क्यों वहां किया, कोई खास वजह? एक एक्चुअल स्टोरी पे आधारित है ये मूवी, रियल स्टोरी, तो उसकी वजह से अपील करी कि पिक्चर अच्छी है, लोगों को पसंद आनी चाहिए, तो उस वजह से इसमें काम करने का विचार बनाया। डायरेक्टर की अगर बात करूं, तो आपके किरदार को कितना तराशा है उसने आपके अंदर? अगर एक स्टार के हिसाब से बात करें तो किसी को भी काम करना है तो वो सब कुछ डायरेक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है, उसके हिसाब से ही उसकी सोच समझ सब उसी के हिसाब से काम करना होता है। बहुत अच्छे से काम किया है डायरेक्टर साहब ने हमारे। और म्यूज़िक की अगर बात करें, तो आपके हिसाब से म्यूज़िक कितना पावरफुल है, क्योंकि अब ज़्यादातर फिल्म के दारोमदार जो है फिल्म म्यूज़िक ऊपर काफ़ी होने लगा है आज की मार्केट में? इस पिक्चर में ऑलमोस्ट 5 गाने हैं, 3 गाने बप्पी जी के हैं, म्यूजिक बप्पी जी का है, प्लस 2 गाने कोरियोग्राफी वगैरह गणेश आचार्य जी की है। सभी गाने आपको ऐसे लगेंगे सुनने में कि दोबारा दोबारा सुने जाएं, कोई भी गाना एक से कम दूसरे से कम नहीं है, सभी गाने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आपको अपने किरदार की कोई खास अच्छाई लगी, कोई एक खास वजह जिसे ऑडियंस याद रखेगी, कोई हुक लाइन, मतलब मेरे ख्याल से ऑडियंस भूल ही नहीं पाएगी। किरदार की कोई खास एक लाइनिंग ऐसी कुछ? नहीं, बैक साइड में कोई म्यूजिक इन लोगों ने चालू किया, बादशाह बादशाह बादशाह, वैसे तो पब्लिक ही बता पाएगी कि क्या चीज उन्हें ज्यादा अच्छी लगे। क्या लगता है सर, इस किरदार के बाद बॉलीवुड से आपको ऑफर आना शुरू हो जाएंगे? अब नो कमेंट्स। फिर भी सर, फाइनली अब बॉलीवुड के किस स्टार को आप ज़्यादा फॉलो करते हो, किस विलन को आप ज़्यादा फॉलो करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं परछाई तो देखी होगी आपने अपने अंदर भी उस स्टार की या उस विलन की? सभी स्टार अपने आप में सब अलग हैं, सब बढ़िया एक दूसरे का वो करते हैं, सभी बढ़िया हैं। सलमान भाई, शाहरुख जी, सभी एक से बढ़ के एक है। और आपको अगर इनमें से किसी के साथ मौका मिले, तो किसके साथ ज़्यादा काम करना चाहेंगे आप? अरे भाई, मेरी ये पहली मूवी है और ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा फिल्मों में शायद काम करना हो या नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, बट किसी के साथ भी मौका मिले तो ज़रूर करना चाहूँगा। आपकी कोई फेवरेट लाइन फिल्म के अंदर जो आपने बोली है डायलॉग के तौर पे? मुश्किल है, सभी डायलॉग अलग अलग है, मतलब रेगुलर रिपीट डायलॉग कोई नहीं है। फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें कोई भी डायलॉग रिपीट नहीं है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सर, कि फिल्म को लेकर मुंबई कैंट डांस वाला को? ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ऑडियंस से निवेदन है जितने ज़्यादा ज़्यादा लोग देखेंगे सबको पसंद आएगी, म्यूजिक बहुत अच्छा है, काम सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है,